बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 53 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया। फिल्मी जगत में सन्नाटा सा पसर गया, हर तरफ शोक का माहौल है। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके इरफान खान ने बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। इरफान को कोलन इन्फेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था, जहां वे आईसीयू में थे, मगर जिंदगी और मौत की लंबी लड़ाई में इरफान खान हार गए। माँ की मौत के 3 दिन बाद ही इरफान खान भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन इन सब के बीच उनकी माँ की आखिरी आरजू भी अधूरी रह गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जन्मे इरफान खान काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज चल रहा था। बॉलीवुड में अलग अलग जोनर के रोल में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके इरफान खान को लेकर निधन से पहले उनकी माँ सईदा बेगम ने कहा था, मेरा बेटा जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगा और मौत से जंग जीत कर लौटेगा। इरफान खान बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। दर्शक ऐसा मानते हैं कि वे अपनी आंखों से ही पूरा अभिनय कर देते हैं और यही उनकी विशेषता भी थी। वे लीक से हटकर फिल्में करने की वजह से मशहूर थे। अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में मुस्लिम परिवार में जयपुर में हुआ था। उसके बाद इरफान जब एमए की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। उसके बाद उनकी शादी सुतापा सिकंदर से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, बाबिल और आरियाना। अब बात करते हैं उनके करियर लाइफ की। उनके करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में वे चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों में दिखाई दिए। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सलाम बॉम्बे से एक छोटे से रोल के साथ हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन असली पहचान उन्हें मकबूल रोग, लाइफ इन द मेट्रो, स्लमडॉग मिलियनेयर, पान सिंह तोमर और द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से मिली। इरफान हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम है। वह एमआईटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।